सोपना वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका से सिर्फ सनसनी फैलती है, अगर वैक्सीन का इजाद ही ना हुआ होता तो क्या होता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मित्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के इरादे से दायर की गई है। कृपया ये भी समझे कि अगर आप टीका नहीं लेते हैं तो इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। हम इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करना चाहते, ये सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए है। बता दें कि प्रिया मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वैक्सीन के कारण खून में थक्का बनता है। साल 2020-21 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया था, लाखों लोगों की मौत भी हो गई थी, करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो गए थे। भारत सरकार ने इसके बढ़ते प्रकोपों को देखते हुए वैक्सीन का इजाद किया था। भारत में बनी वैक्सीन को दुनिया भर के देशों में भी मदद के लिए भेजा गया। दावा किया गया कि वैक्सीन लगने के बाद मौतों की संख्या में भी गिरावट आई।